हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पाल्टी एंड वेलकम टू माय चैनल पाल्टी राइड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेफ हो, घर में हो। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ दिस टू मशीन्स विच आई एम ओनिंग फ्रॉम सिंस लॉन्ग। आई मीन आरसी को आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 5 years। दिस ईयर आई कंप्लीट 2 years ऑन कावासाकी निंजा 400। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज ए लिटिल बिट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस अबाउट दिस टू मशीन्स एंड एक्चुअली अ कंपेरिजन। So first thing is that we'll compare is about fuel tank. Fuel tank of Kawasaki Ninja 400 is about 14 liters, which is quite sufficient. अभी सफिशियंट नहीं बोल सकते बट डिसेंट बोल सकते हैं, विच इज़ यू नो ऑन ओके साइड। वेयर एज इफ़ यू कंपेयर द फ्यूल टैंक ऑफ RC 390 विच इज जस्ट अबाउट 11 liters, आई थिंक अभी तो इज गॉन अप टू 9 or 10 liters समथिंग, सो विच इज़ प्रिटी लेस कंपेरेटिवली। कावासाकी हैज़ लार्जर फ्यूल टैंक। अभी बात आती है फ्यूल इकोनॉमी की। बोथ बाइक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्ड बट ऑब्वियसली कावासाकी निंजा 400 इज़ बेटर ट्यून्ड, सो इट्स पावर डिलीवरी इज़ बेटर। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि पावर टू वेट रेशो इज सच एन डिफरेंट। कावासाकी निंजा 400 इज एज यू नो इसका वेट सिमिलर है RC 390 से, विच इज़ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। आई मीन लोग बोलते हैं KTM बहुत लाइट है इसलिए भागती है, आते हैं। इमेजिन कावासाकी निंजा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेडी है बट येट इट इज़ एज लाइटर एज KTM RC 390। सो पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है, इसके वजह से दोनों के एवरेजेस में हमको ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। द सेकेंड थिंग इज टायर्स। कावासाकी इज कमिंग विद द डनलॉप रबर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द कंपनी इट सेल्फ, विच इज ओके रबर्स विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, बट दीज आर यू नो डिसेंट रबर्स एंड वंस दिस लास्ट लॉन्ग यू डेफिनेटली नीड टू अपग्रेड टू द बेटर रबर। RC 390 जब मैंने परचेज़ की थी इन 2015, इट वॉज कमिंग विद बेटर क्लास ऑफ मेटजिलर्स एंड दोज वर फिनमल टायर्स एंड द काइंड ऑफ पावर दिस बाइक हैज़ कम यू नो कंसिडरिंग दैट दोज टायर्स वर प्रिटी गुड, दे आर सपोर्टिंग प्रिटी गुड एट हाई स्पीड्स। डिटोरिएट भी जल्दी हो जाते थे बट दैट्स ओके, बट दोज वर वेरी गुड टायर्स एंड स्टिल KTM इज यू नो गिविंग एन ऑप्शन ऑफ बेटर टायर्स टू दिस बाइक्स, सो आई थिंक KTM हैज़ अ बेटर टायर्स इन दिस सिनेरियो। राइडिंग पोजिशन ऑफ निंजा 400 आई थिंक इज़ अ फैंटेबुलस। आई थिंक दिस इज़ द बाइक विच इज़ मेंट फॉर एवरीथिंग। दिस बाइक कैन गो ऑन ट्रैक, दिस बाइक यू कैन यूज फॉर द टूरिंग एंड दिस बाइक ऑल्सो कैन बी यूज एक्सटेंसिवली फॉर योर सिटी राइडिंग। सो उसका जो पोस्चर है वो बहुत डिफरेंट है, इट इज़ इन बिटवीन सुपर स्पोर्ट्स मल सिटिंग पोजिशन जो होता है उसमें का इन बिटवीन पोजिशन है, विच इज़ अ प्रिटी गुड एंड आई थिंक द काइंड ऑफ कम्फर्ट इट ऑफर्स इट्स एक्चुअली मेंट फॉर एवरीडे पर्पज़। कावासाकी निंजा 400 का जो पोस्चर है उस पर कॉर्नरिंग करना एंड ट्रैक यूज़ करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फिनोमिनल। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ यू नो R&D डेफिनेटली हैज़ बीन डन बाय कावासाकी बिफोर यू नो ऑप्टिंग फॉर दिस हैंडल बार, बट दिस इज़ आई थिंक परफेक्ट राइडिंग पोजिशन ऑफ द 390 विच इज़ वेरी सुपर स्पोर्ट पोजिशन एंड एक्चुअली दिस बाइक इज़ मेंट फॉर द ट्रैक। ऐसा बहुत लोग इनिशियली बोलते भी थे कि ये बाइक यू नो ओनली फॉर द ट्रैक यूजेज है। इफ़ यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल राइडर देन देर इज़ अ प्रॉब्लम टू कंसिडर दिस बाइक फॉर यू नो एवरीडे पर्पज। इट विल नॉट डेफिनेटली फुलफिल योर टूरिंग एंड सिटी यूजेज भी देर इज़ अ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ट्रैक यूजेज दिस इज़ अ वेरी वेरी सुपर सुपर बाइक। बोथ दिस बाइक्स आर यू नो ऑफर क्लोज टू 400 cc मशीन। दिस इज़ 49 PS, दिस इज़ 43 PS, 44 PS, सो पावर इज़ नियर बाय सेम। बट इफ़ यू थिंक यू नो इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली एंड इफ़ यू एन राइडिंग दिस बाइक प्रॉपरली इन सिटी कंडीशंस ऑल्सो, यू विल रियलाइज दैट इनिशियल थ्रॉटल इनिशियल पावर ऑफ द RC इज़ बेटर दैन द कावासाकी निंजा 400। सो इसका प्राइम एग्जाम्पल होता है जब आप सिग्नल से निकलते हो फटाक से, तो RC गिव्स यू दैट इनिशियल पावर फार फार बेटर दैन द कावासाकी निंजा 400। और दूसरी चीज़ ये होती है कि RC का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत डिफरेंट है। इफ़ यू आर राइडिंग इन स्पीड एंड एक्सीलरेटर छोड़ देते हो तो यू नो बाइक गोज बैक अ लिटिल। एक्चुअली वो स्टॉप गैप वाली सिचुएशन ना सिटी ट्रैफिक में बहुत बार यूजफुल भी होती है, बिकॉज यू एक्चुअली गेट एन मिनिमल सेकेंड यू नो माइनर सेकेंड टू थिंक कि यहाँ से निकलना है। सो दैट वे आई थिंक आई मीन बहुत डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है बट अगर आप सालों से RC यूज़ करो तो यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। कावासाकी निंजा 400 ऑल्दो इसका इनिशियल पावर ऐसा कम नहीं बोल सकते इसको, इट इज़ डिफरेंट है, थोड़ा लीनियर है, बट
where Kawasaki Ninja 400 excels for top end performance. It is just you know goes like a wind. See, I'm not saying ki you know market mein yehi bike hai jo sabse fast, there are a lot of bikes are there, but I genuinely bol raha hu mera own experience jo maine chalaya, mere do teen friends ne mujhe suggest kiya tha aur experience bhi kiya tha. I think Kawasaki Ninja 400 it's better performer than Ninja 650. Initial power RC ka acha hai, but top end is Kawasaki goes like anything. So there is a complete difference between throttle response that these both bikes gives you. But I think these are the bikes which you need to really ride carefully, I must tell you, because if you don't have a major hands, it can give you huge amount of problem which you will not able to recover from many years. एनी ऑफ दिस बाइक अगर आप सिटी में यूज़ करना चाहते हो तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेज दिस बाइक हैज़. ऑब्वियसली कंसिडरिंग जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसके हिसाब से Kawasaki Ninja 400 हैज़ अ बेटर ऑप्शन टू राइड इन सिटी एज़ कम्पेयर टू RC 390 इन वेरियस वेज. नंबर वन, इट हैज़ इट्स राइडिंग पोजिशन, इट्स स्मूथ नेचर ऑफ द इंजन एंड द लीनियर पावर डिलीवरी विच ऑलवेज हेल्प्स यू टू यू नो वॉट स्पीड यू आर गोइंग थ्रू. RC में there is a high chances you can carry it away with the speed. बहुत ज़्यादा responsibility से चलानी पड़ती है RC 390, because it always demand you to ride fast. It always demand you to ride fast. So considering city riding, I think Kawasaki Ninja is better. The another thing, hitting problem. I mean Kawasaki Ninja में आपको कोई भी hitting issue आता नहीं. You ride at any temperature, you ride at any condition, it will respond you how it should be. RC 390 there is a huge hitting problem. I mean जब से manufacturing ये bike India में आई है तब से सबको पता है. अभी थोड़ा कम हुआ है, no doubt they have done lot of changes, but still अगर आप ऐसा मुंबई जैसे गर्मी में इसको चला रहे हो in 44 degrees something and you are in bumper to bumper traffic from 1 hour or something, ये bike बंद हो जाएगी. ये मैंने खुद experience किया है और बहुत सारे दोस्तों का भी देखा है. So this bike city condition, heavy traffic, heat condition, strictly no. So there are a lot of terms and conditions apply for RC 390 to ride in city, where Kawasaki Ninja 400 में ऐसा कोई terms and conditions आते नहीं है in terms of its you know practicality. It's both bikes comes with the ABS, so stopping power भी बहुत अच्छा होता है. RC 390 का एक plus जो अच्छा है कि brakes are okay, but the tires are brilliant, so it supports braking very very nicely. Whether it's a front, whether it's a rear brake, it responds well. It's not has that extreme bite, but it's always give you that satisfactory thing that okay, you know, this bike can stop at this speed. Wo understanding aapko aa jati hai. Whereas if you observe Kawasaki Ninja 400, a double pedal disc hai isme, and these are the phenomenal brakes. I must tell you, 500cc के रेंज में कोई भी बाइक ले लो आप इंडिया में, Kawasaki Ninja 400 इज हैविंग अ बेस्ट ब्रेक्स ऑन इन इंडिया करंटली. इट्स सुप्रीम विद द डनलॉप रबर. मोमेंट यू अपग्रेड टू द मेटजिलर समथिंग लाइक दैट, द रिजल्ट विल बी फार फार सुप्रीम देन यू कैन इमेजिन. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई थिंक Kawasaki Ninja 400 हैज़ अ फार बेटर ब्रेकिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू RC 390. In terms of these two, whatever I experienced 5 years from RC 390, almost 2 years of Kawasaki Ninja 400, obviously Ninja 400 is far heavy on the pocket while maintaining it. RC 390 is very cheap. So agar aap, if you see ki there are brake pads of Pulsar 220F ke bhi use ho jate hai RC 390 pe, and this is very good condition. Secondly is the availability of the service centers of KTM is far more as compared to Kawasaki. 3 times rahega, almost 3 to 4 times. So that way, if you are going from one city to another city, or if you are using for touring, or there is anything that you need help, you always will get it. And that way KTM was service offering bhi better hai. I think KTM has far better service than anybody else in India currently. While Kawasaki Ninja 400 have limited service center, there is difference. So अगर ये बात सही है कि ये बाइक यू नो मेंटेन करने में बहुत सस्ती है KTM, एंड whereas Kawasaki बहुत महंगी पड़ती है, बट द रिलायबिलिटी थिंग Kawasaki gives you वो KTM में आती नहीं है. Kawasaki Ninja
एनी कावासाकी मॉडल फॉर दैट मैटर, स्पेशली निंजा 400, अभी यहाँ उसकी बात चल रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें आपको कोई निगल्स मिलेंगे नहीं। मेंटेनिंग इट प्रॉपरली, डे टू डे सर्विस उसका जो भी चलता है, उसका स्केड्यूल आप करते हो, आपको कोई भी छोटा मोटा निगल आएगा नहीं, 90% चांसेस है आपको आएगा नहीं। RC390 आप कैसा भी उसको यूज करो, उसको सर्विसिंग अच्छा करो, ऑब्वियसली इट विल रिस्पॉन्ड वेल, बट RC390 के निगल्स बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स फैन, इट हैज़ यू नो दैट हीटिंग इशू है, उसके फैन का रिप्लेसमेंट आई थिंक एवरी 2 ईयर्स आपको करना पड़ता है, इट कैन ऑकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इज़ वेरी रिस्की। ओवरऑल रिलायबिलिटी में आई थिंक कावासाकी निंजा इज 400, सो जो भी वो प्राइस ले रहे हैं आपके सर्विसिंग की स्टैंड्स टू दैट एक्सपेक्टेशंस, सो आई थिंक अनदर थम्स अप फॉर कावासाकी निंजा 400। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइस। ऑब्वियसली अभी BS6 इंप्लीमेंट हो चुका है, यू नेवर नो व्हेन कावासाकी विल लॉन्च 400, वो आ भी रही है या नहीं, बिकॉज काइंड ऑफ सेल्स इट हैज़ इन इंडिया वॉज पुअर, इन बिटवीन उन्होंने 300 स्टॉप कर दी थी, सो दैट 400 अगेन स्टार्टेड सेलिंग वेल। इट्स ऑन रोड प्राइस इज गोइंग अराउंड 5.5 to 6 lakhs, वेयर एज RC390 गोज अराउंड 3.2 के आसपास जाएगी। सो एक्चुअली इन प्राइस ऑफ वन कावासाकी निंजा 400 यू कैन बाई 2 RCs, एंड फॉर मेनी इंडियंस हमारे जैसे जो हम ऑब्वियसली प्राइस सेंसिटिव रहते हैं और रहना भी चाहिए, ऐसे सिनेरियो में एनीबडी विल प्रीफर RC390, बट देर आर रीज़न टू दैट, दिस बाइक हैज़ बीन मेड फॉर यू नो राइट रीज़न। आई मीन ऐसा नहीं है कि RC390 बहुत बुरी बाइक है, उस पैसों में इतना आई मीन यू नो यू डोंट गेट दैट मच, येस यू गेट एब्सोल्युटली एवरीथिंग फ्रॉम दैट प्राइस, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 6 lakhs भी इन्वेस्ट करते हो कावासाकी निंजा 400 पे, you actually have a brilliant city bike, you actually have a very nimble bike, you actually have a good tourer. अगर आप सोच रहे हो निंजा 400 लेने का, मेरे ख्याल से इसके बाद अगर आप अपग्रेड करोगे तो डायरेक्ट वो 800 या 9000 cc का ही रहेगा, आपको 650 में डेफिनेटली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो 650 को कहीं एक्सेल कर देगी, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। विच वन यू शुड बाय, विच एग्जैक्टली यू शुड बाय, ऑब्वियसली बता दिया प्राइस में तो जो आपको मिल रहा है यू नो व्हाट इट इज़। कैटेगरीज ऐसा कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर यू नो यू आर जस्ट स्टार्टेड योर जॉब, अभी जॉब शुरू किया है आपने और आपको एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, यू हैव अ गुड ऑप्शन लाइक RC390, बिकॉज आपका यू हैव टू थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, सो दैट वे आई थिंक RC390 फुलफिल्स एवरीथिंग। ऑब्वियसली उसके लिमिटेशन है, उसको सही तरीके से चलाना पड़ता है और उसके राइडिंग पोस्चर की वजह से इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीवन, यू नो यू रियली नीड टू लव दैट बाइक टू राइड इट। मैं 5 साल से चला रहा हूँ, मैंने उसको 3 साल एवरीडे 100 kilometers चलाया है इन सिटी, बट आई नेवर फेस एनी यू नो बैक प्रॉब्लम समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई लव दिस बाइक। अगर आप एक ऑफिस गोर हो, आप जॉब करते हो, यू अर्न बेटर, आपको जॉब शुरू हो के यू नो यू स्टार्टेड लाइक 3-5 years हो चुके हैं, देन यू ऑल्सो लव टूरिंग, यू ऑल्सो लव राइडिंग एंड ऑल, इस तरीके में उस कैटेगरी में आई थिंक निंजा 400 फिट होता है। दोनों बाइक्स मेरे हैं, मैं दोनों आई मीन RC300 को मेरे 5 साल हुए, मैं कभी इसको सेल करने का सोचूंगा नहीं, इट्स माई फर्स्ट लव, बट स्टिल आई कैन स्टिल एक्सपीरियंस इट। कावासाकी निंजा 400 इज़ अ फार फार रिलायबल। आई थिंक दिस इज़ द वीडियो अबाउट बोथ ऑफ दिस बाइक। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, दोनों बाइक्स मेरी है, मैं दोनों पे उतना ही प्यार करता हूँ, बट अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्लीज़ कंसिडर कावासाकी निंजा 400।